हेलो फायर स्टेशन। हाँ मैं होटल हयात से नवीन बोल रहा हूँ। यहाँ ऊपर की मंजिल में आग लगी है, कुछ लोग फंसे हैं, जल्दी से जल्दी गाड़ी भेज दीजिए। हमारे फायर फाइटर्स के पास सिर्फ आग बुझाने का ही काम नहीं है, बल्कि विषम परिस्थितियों में किसी भी तरह की आपदा आने पर भी हमारे फायर फाइटर्स मुस्तैदी से काम करते नजर आते हैं। किसी भी तरह के जानवरों का भी रेस्क्यू करना है तो वहाँ भी हमारे फायर फाइटर्स ही मोर्चा लेने के लिए मौजूद नजर आते हैं। रेस्क्यू चाहे किसी भी तरह का हो, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के जवान हर आपदा में आम जनता की हिफाजत और उन्हें घटना स्थल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मुस्तैद नजर आते हैं। इसके बाद भी आम जनता की एक शिकायत हमेशा रहती है कि फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आ गई होती तो नुकसान ना होता। हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड अगर टाइम से आई होती तो नुकसान कम होता, उन लोगों से यह छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने परिवार व मित्रों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। मैं लखनऊ की जनता से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि सपोज अगर फायर की गाड़ी अगर जाती है आग बुझाने के लिए और रास्ते में अगर जो है जाम लगा है तो कृपया जो है उस जाम को जो है खाली करवाएं, और गाड़ी अगर हमारी जल्दी से जल्दी पहुँचेगी तो हम उतना ही जल्दी जो है तेज़ी से काम कर पाएंगे और किसी की जान को बचा सकेंगे और उसके साथ साथ संपत्ति का भी जो है नुकसान होने से बचा सकेंगे। जब भी हमारे आसपास कहीं आग लगती है तो इसकी सूचना हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड को देते हैं, जिसका नंबर 101-9454-418642 से 94-544-18658 तक तथा 112 है। 101 पर जब हम कॉल करते हैं तो हमारा कॉल सीधे फायर सर्विस के अग्नि नियंत्रण कक्ष में पहुंचता है, जहां हमारी सूचना को नोट किया जाता है और तत्काल जिस क्षेत्र में आग लगी होती है उसके नज़दीकी फायर स्टेशन को कंट्रोल रूम द्वारा सूचित किया जाता है। सूचना मिलते ही संबंधित फायर स्टेशन से तत्काल ही गाड़ी को बिना समय गंवाए महज 30 से 45 सेकेंड में रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद जिस जगह की कोई जानकारी फायर फाइटर्स को नहीं होती है उसके बावजूद फायर फाइटर्स लगातार तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हुए उस पते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमारे द्वारा वहां दिया गया है। रास्ते में उन्हें ट्रैफिक जाम की दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, लोगों से पता भी पूछना पड़ता है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि जो पता हमारे द्वारा दिया गया है उसकी जानकारी उन्हें पहले से हो। कि यदि आपके यहाँ आग लगी है तो आप घबराएं नहीं, आप फायर स्टेशन के नंबर पे या 112 के नंबर पे आप कॉल करें। तो कॉल करने में दो चीज़ों का विशेष ध्यान दें, पहला कि आग बड़ी है या छोटी है, आग किस चीज़ में लगी है, दूसरा कि वहाँ पहुँचने के लिए जो जगह है उसका कोई यदि लैंडमार्क हो, मंदिर हो, कोई स्कूल हो, होटल हो, नर्सिंग होम हो, उसको बताने के बाद में थोड़ा सरलता से आदमी पहुंच जाता है। उसके बाद हमारे जाबाज फायर फाइटर जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उनके पास एक बड़ी चुनौती होती है। घटनास्थल का मुआयना कर
उस जगह पर पहुंचना जहां आग को बढ़ने से रोका जा सके। जिस बिल्डिंग में आग लगी होती है हम उससे दूर भागते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, लेकिन ये फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर उसी बिल्डिंग में घुसते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उस बिल्डिंग में यदि कोई अंदर फंसा भी होता है तो हमारे यही फायर फाइटर्स अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जद्दोजहद करते नजर आते हैं और अग्नि प्रसार पर नियंत्रण लगाकर आग और धुएं से संघर्ष कर सीधे सीट ऑफ फायर पर पानी का जेट मारते हुए अग्निशमन कार्य करते हुए फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित जीवित बचा लेते हैं। ये अपना 100% दे रहे हैं। साथ ही आप भी एक अच्छे नागरिक का दायित्व तो संभालते हुए समय पर आग की सूचना देकर तथा ट्रैफिक में इनकी गाड़ियों को रास्ता देकर किसी के जान माल की रक्षा कर सकते हैं।